What's up guys, क्या हाल है? मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। तो यहाँ पर Realme 12 Pro Plus में यहाँ पर तीन कैमरे आपको दिखते होंगे। एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक अल्ट्रा वाइड है और एक 64 मेगापिक्सल का है। तो आज हम देखेंगे कि ये तीनों सेंसर किस किस परफॉर्मेंस में काम करते हैं और आपको डिटेल रिव्यू देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ये क्या कर रहे थे, पागलगिरी। खैर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर नाइट मोड। तो नाइट मोड में जो है मेन सेंसर यहां पर काम करता है। देखिए नाइट मोड में है और यहां पर हम ऊपर वाला सेंसर में उंगली लगा रहे हैं। देखिए यहां पर उंगली लगा रहे हैं तो नाइट मोड में यहां पर कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम 3x में जाएंगे, ठीक है ना, 3x में जाएंगे तो यहां पर जो है 3x में ऊपर वाला सेंसर काम नहीं करता है। ठीक है, नाइट में 3x में ऊपर वाला सेंसर काम नहीं करता है, नीचे वाला पेरिस्कोपिक सेंसर काम करता है। देखिए नीचे वाला पेरिस्कोपिक सेंसर काम करेगा, ऊपर वाला सेंसर काम नहीं करता है। 3x में जैसे जाएंगे, 3x से नीचे जैसे रहेंगे, जैसे है 1.7 में, तो ऊपर वाला कैमरा सेंसर काम करता है। देखिए ऊपर वाला कैमरा सेंसर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए स्ट्रीट व्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ऊपर वाला सेंसर पे हम यहाँ पर उंगली लगाए हुए हैं और 16 mm में देखते हैं कि किस में काम करता है। तो 16 mm में जब रहेगा फ़ोन तो आपका अल्ट्रा वाइड काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 24 में जाएंगे तो कैमरा स्विच हो जाएगा मेन सेंसर में। यहाँ पर मेन सेंसर जो है इसमें कैमरा स्विच हो जाएगा। हम उंगली लगा के दिखा रहे हैं आपको। देखिए उंगली जो है लगाए हुए हैं और इसमें 48 में करते हैं तो 48 में भी वही काम करेगा। 71 में अगर करेंगे तो 71 में पेरिस्कोपिक सेंसर काम करना शुरू करता है। ठीक है, नीचे वाला देखिए हम नीचे यहाँ पर लगाएंगे, आपको दिखा देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये वाला जो है देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये जो है 71 mm का थिकनेस पे ऊपर वाला, ठीक है, मेन सेंसर जो है ये काम कर रहा है। अभी ऊपर वाला काम कर रहा है, जैसे हम नीचे घसकाएंगे तो यहाँ पर जो है 71 वाला काम नहीं कर रहा है, पेरिस्कोपिक नहीं कर रहा। 144 में भी ऊपर वाला काम कर रहा है सेंसर, नीचे वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही मैक्रो जाएंगे तो मैक्रो में देखते हैं कि कौन सा सेंसर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्रो में भी ऊपर वाला सेंसर काम कर रहा है और नीचे वाला नहीं कर रहा है। 16 में आपका अल्ट्रा वाइड काम कर रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वाइड पे काम कर रहा है, इस तरह का कुछ है। वीडियो के बारे में बात करते हैं तो वीडियो जो है ऊपर वाला सेंसर अभी काम कर रहा है 2x तक भी ऊपर वाला, 3x में जैसे जाएंगे तो पेरिस्कोपिक सेंसर यहाँ पर काम करने शुरू कर दिया। देखिए पेरिस्कोपिक सेंसर नीचे हम किए हुए, देखिए ब्लैक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेरिस्कोपिक सेंसर पे हम उंगली रखे हुए और ये दिख रहा है। देखिए मेन सेंसर पूरा वाइड खाली है, ठीक है ना। आगे हम रखे हुए और 2x में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर वीडियो क्वालिटी पर मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 6x की, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का है। फ़ोटो के बारे में बात करते हैं तो 1x पे यहाँ पर ऊपर वाला सेंसर हम खुला छोड़े हुए, देख लीजिए ऊपर वाला सेंसर खुला है। तो देखिए 1x पे कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2x पे, 3x में भी जो है ऊपर वाला सेंसर काम कर रहा है, 6x में भी ऊपर वाला सेंसर काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पेरिस्कोपिक सेंसर कब काम करता है। यहाँ पर देखिए कैमरा सेंसर जो है पेरिस्कोपिक सेंसर, जैसे ही 10 में जाएंगे 10x के बाद पेरिस्कोपिक सेंसर काम करता है, ठीक है ना। अभी ऊपर वाला सेंसर देखिए खाली है। अभी ये जो फ़ोटो आएगा, ठीक है, ये वाला जो फ़ोटो है समझ लीजिए ये ऊपर वाला सेंसर से में मतलब पेरिस्कोपिक सेंसर से काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला सेंसर खाली है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला सेंसर को हमने बंद कर दिया है। ये पेरिस्कोपिक सेंसर का कमाल है। 10x हो गया, 10x के ऊपर जितने भी जाएगा ये पेरिस्कोपिक सेंसर, जैसे ही 10 से नीचे जाएगा तो हमारा मेन सेंसर पे काम करना शुरू करता है फ़ोन। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ में मुझे बताना था। पोर्ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट जो है यहाँ पर अभी 3x में पेरिस्कोपिक सेंसर काम करेगा, ऊपर वाला मेन सेंसर जो है खाली है। देखिए ऊपर वाला मेन सेंसर, यहाँ पर मेन सेंसर आपको दिखता होगा, उस पर हमने नहीं लगाया हुआ। तो 1x में मेन सेंसर से पोर्ट्रेट आएगा और 3x में पेरिस्कोपिक सेंसर से पोर्ट्रेट आएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हाई रिस्क की। तो देखिए 1x ऊपर वाला जो है सेंसर खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 megapixel से फ़ोटो लिया गया है। जैसे ही हम 3x करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि हम उंगली लगाए हुए यहाँ पर और 64 मेगापिक्सल से ये काम कर रहा है। जैसे ही हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया 3x, तो इस तरह का कुछ है। तो कैमरा स्विचिंग का आपने समझ गया कि कब कब कौन सा कैमरा काम करता है। यहाँ पर नॉर्मल फ़ोटो के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मल फ़ोटो में जो है भैया जब तक आप 10x पे जाएंगे, यहाँ पर 6x तक अपना मेन सेंसर रहेगा, 10x पे जैसे जाएंगे ये पेरिस्कोपिक पे बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर पता भी चलता है, जैसे ही हम जाएंगे 10x पे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया, सेंसर चेंज हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ था मुझे दिखाना जो आपको दिखा दिया, अगर 3x यहाँ पर 6x तक भी लेते हैं फ़ोटो, यहाँ पर जो मतलब ये वाला जो है सोनी का MX890 वाला जो सेंसर है वो 8x तक फ़ोटो लेता है, उसके बाद जो है पेरिस्कोपिक सेंसर काम करना शुरू करता है। तो समझ गए, तो फोटो कैमरा क्वालिटी अगर देखा जाए तो 25x तक का या फिर 30x तक का हम अच्छा फ़ोटो निकाल सकते हैं, उससे ऊपर आप उम्मीद मत रखिए कि आपको अच्छा फ़ोटो मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी हम 30x में यहाँ पर मेरा चादर रखा हुआ आ गया, 30x में हम निकाले तो उसके सूता का रुआ सब दिख रहा है जो आप देख सकते हैं, तो अच्छा सा यहाँ पर फ़ोटो आया है जो आप देख सकते हैं। तो 30x तक यहाँ पर फ़ोटो निकल के आएगा अच्छा, उसके ऊपर उम्मीद मत रखिए। लेकिन कैमरा सेंसर जैसे मैंने बताया कि इसी तरह का कुछ वर्क करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, हमने डिटेल में कंपेरिजन करके बता दिया भैया कि कौन सा सेंसर कब काम करता है। होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।